शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तू ठीक है ना? हाँ। ये तो माता रानी की कृपा है कि अभय को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन ये कमबख्त सुबह तक तो ठीक था, फटा तो फटा कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले सब ठीक था, मैंने केक माइक्रोवेव में रखा तो अचानक से उसमें आग लग गई और मैं स्विच ऑफ करने लगा तब तक वो फट गया। हद करते हैं आप, जब आपको ये सब बनाना नहीं आता तो क्यों चले गए आप रसोई में बनाने? हीरो बनना होता है ना आपको, अभी इतना बड़ा हादसा होते हुए बचा है, आपको जरा सा भी अंदाजा है क्या हो सकता था? वो गर्म माइक्रोवेव ओवन आपके सर पे गिर सकता था, उसके सामने खड़े थे आप, अगर वो माइक्रोवेव फट जाता तो इतना बड़ा हादसा हो जाता? इतनी लापरवाही करेंगे आप, कुछ हो जाता अभी तो? थैंक यू। हाँ मतलब इस पे इतने जबरदस्त तरीके से भड़कने के लिए थैंक यू, राइट? नहीं, वो सच में जलता हुआ माइक्रोवेव मेरे सर पे गिर सकता था, उससे बचाने के लिए, कम शब्दों में कहूं तो मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतना भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं। अरे यार बड़ी अजीब लड़की हो तुम यार, मुझसे प्लीज बुलवाने के लिए तुमने मेरे कान तक मरोड़ दिए, अब जब मैं खुद से तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ तो ये तो वो तो कर रही है, 100 बातों की एक बात बोलूंगा। तुम बहुत बहादुर हो और ऐसी बहादुरी कम लोगों में देखने को मिलती है, इसलिए शुक्रिया और शाबाश। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, घर में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ये सोचकर ही हमारा दिल घबरा रहा है। हावी अभय को चोट लगी है तो आज का ये जो भी प्रोग्राम था वो सब कैंसिल, कुछ नहीं होगा, और हमारा भी यही मानना है कि अभय आज आपको आराम करना चाहिए। मतलब ही नहीं है बुआ जी, ताई जी, मम्मी, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ है मुझे, और आप सभी तो कहते हैं जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। रोशनी का जन्मदिन आज है तो हम आज ही सेलिब्रेट करेंगे, और जैसा मैंने सोचा एकदम वैसे ही। अरे बेटा हम जानते हैं कि तुम रोशनी का जन्मदिन मनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें चोट भी तो लगी है। अरे मम्मी कौन सी चोट, हल्की सी खरों चाहिए बस मुझे, मैं ठीक हूँ बोला ना मैंने। हे भगवान तुम कितने जिद्दी हो, लेकिन इस चोट में तो दवा लगानी होगी ना, चलो चलो हमारे साथ आ जाओ। बुआ जी हो क्या गया अभय को, अभी वो खून बाल बाल बचे, कितनी चोट लगी है उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ रोशनी की फिक्र है, अपनी तो जरा से भी परवाह नहीं है उन्हें। ये सब सोच के तुम खुद को तकलीफ मत दो, हम सब जानते हैं कि अभय अभी खुद में उलझा हुआ है, उसे होश ही कहाँ है कि वो कर क्या रहा है, एक बार उसे एहसास हो जाएगा उसके बाद तुम देखना सब ठीक हो जाएगा सब कुछ। सही कहा आपने बुआ जी, तो क्या हुआ मेरा पहला बार खाली गया तो दूसरा बार खाली नहीं जाए, और वही बनेगा मेरी दर्द की दवा। Come in. ये तोहफा मेरे लिए किसने भेजा है? ये मिस्टर अभय त्रिपाठी ने दिया। थैंक यू। मेरा दिया तोहफा, लेकिन दिया अभय के नाम से, अब असली कमाल ये दिखाएगा। यार कमाल की बात करती हो तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुम त्रिपाठी निवास में चाहिए बस। अभय मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं आज शाम को नहीं आ सकती हूँ, अब मैं कल आती हूँ ना। हाँ ठीक है कल आ जाना तुम, पर तुम्हें आज भी आना होगा, और सुनो अगर तुम आज नहीं आई ना तो तुम मुझे मजबूर कर दो कि मैं तुम्हारी क्लिनिक पे आऊँ और तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आऊँ।
अभय तुम? मैं नहीं, तुम रोशनी। पता नहीं क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, क्या हो गया मुझे। जब तुम नहीं होती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम्हारा चेहरा ना देख लो मेरा दिन नहीं निकलता है। तुम जानती हो मैं बस हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आंखें बंद भी करता हूँ ना मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। मेरे इतने करीब क्यों आई? मैं आपके करीब कैसे आ सकती हूँ? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं आपसे कितनी दूर खड़ी हूँ। आप वहां पे खड़े हैं और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। तो फिर मैं अपने सब छोड़ो, आज रात की बहुत तैयारी भी करनी है मुझे। आज शाम बहुत खास होने वाली है। दीदू, उस डॉक्टर रोशनी के जन्मदिन के लिए अभय को ज्यादा उतावला नहीं है? नाम लिया और आ गई मुसीबत। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों की रोशनी से भर दे। सिर्फ बधाइयां ही नहीं, बहुत बढ़िया केक भी है। आओ बेटा, केक काटते हैं। आओ। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। आप रोशनी, अपनों की याद तो हमेशा ही आती रहेगी, वो कभी नहीं जाने वाली। लेकिन इसका मतलब क्या है? हम जीना छोड़ दें, खुश होना छोड़ दें? नहीं, खुशी के मौके पर अपनों को मुस्कुराहट के साथ याद करना चाहिए, नहीं आंसुओं के साथ। और बेटा, अब तुम्हें अकेला कभी नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम सब हैं ना, अब से हम ही तुम्हारा परिवार है। हाँ ठीक है मम्मी, अभी केक काट लें। हाँ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।